सचिन सोनी, मैं दिल्ली से यहाँ पे जो है जिला अधिकारी फैजाबाद से आने वाले हैं और 17 तारीख को आएंगे। बड़ी मुस्तैदी से यहाँ कारोबार हो रहा है, बड़े कर्मचारी लोग यहाँ जुटे हुए हैं और इस साथ में हमारे महान महोदय ग्राम प्रधान जिसे कहते हैं, गांव के विकास के स्तर के बारे में ये हमारे अशोक जी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी समय से मैं लगा हूँ, काफ़ी चहल पहल से लगा हूँ और ये अपनी बात कुछ रखेंगे। तो प्रधान जी, आप यहाँ पे जो है विकास स्तर के बारे में, अगर गांव की विकास स्तर लिया जाए तो आप कहाँ तक क्या क्या काम करवा सकते हैं? नाली का काम हुआ है, तिरंगे का काम हुआ है, सौर ऊर्जा लाइट वगैरह लगी है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है, ये सारे काम हुए हैं। जो खराब हुई उसकी मरम्मत हो रही है, पंचायत भवन रिपेयरिंग, ये सारे विकास के काम हो रहे हैं जो पहले भी हुए हैं आज जी। तो हमारे प्रधान जो राशन कार्ड में बने, जैसे राशन कार्ड वगैरह की बात हमारे यहाँ है, 455 कार्ड हमारे यहाँ पहुँच चुका है जो कि मौजूदा 210/86 अंत्योदय है और बाकी जो हम कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 255 की बढ़ोतरी हो चुकी है नए वृद्धा और वृद्धा पेंशन के लिए जो अप्लाई किया गया है, कुछ तो चालू हुए हैं और कुछ के जो है फार्म वहाँ पहुँच चुके हैं, बाकी ऑलरेडी पहले से चल रही है। तो आवास के लिए आवास हमारे यहाँ 11 आ चुके हैं। 11 हेलो, कुछ नाम है? नाम में अच्छा, ये हमारे प्रधान जी थे, काफी विकास के स्तर के बारे में बताया इन्होंने, गांव को चमकाने के लिए, गांव को अच्छी तरह से बनाने के लिए, गांव के विकास, बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों को काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो आप प्रधान जी हमारे जो है इस समय काफी व्यस्त हैं और काफी काम में लगे हुए हैं। आइए हम जनता से बात करते हैं कि जनता क्या राय देती है अपने। तो आप यहीं रहने वाले सर, सर ये बताइए कि आपका क्या नाम है सर? जी आप ये बताइए कि यहाँ पे विकास स्तर जो है क्या हुआ है? काफी हुआ है, तो इनके इनके क्षेत्र में इनके रहते हुए हुआ है या पीछे जो प्रधान थे उनके रहते हुए? नहीं, कुछ उन्होंने काफी किया है आगे। हाँ, ये प्रधान काम भी किए जी जी, इसको पेंटिंग में था वो भी काम है जी जी। बहुत अच्छा, तो आप इनसे पसंद है? बहुत अच्छा है। आइए हम दूसरे मेहमान से पूछते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, आप ये बताइए यहाँ पे कुछ आपको परेशानी है? गांव का हालचाल ठीक है? विकास स्तर के बारे में जो वर्तमान में प्रधान है वो अच्छा काम कर रहे हैं? ठीक है ना, आप संतुष्ट हैं या बहुत संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, चलो यही अच्छा है। आप यही रहने वाले जी? जी सर, आपके क्या नाम है? जय प्रकाश यादव। जय प्रकाश जी, आप ये बताइए आप क्या करते हैं? यहाँ पे मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छा। तो आप कमाने का स्तर क्या है आपका? हमारे पास खेती बाड़ी है। हाँ? कुछ पशुपालन का भी व्यवसाय है हमारे पास। जी जी, तो रोजगार का स्तर क्या है? पशुपालन है, दूध वगैरह जी। तो यादव जी आप ही बताइए, आपको यहाँ पे कोई परेशानी जैसे प्रधान को लेके या किसी और कर्मचारी को लेके कोई परेशानी है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी हमारे ग्राम प्रधान जो है काफी विकास कर रहे हैं यहाँ पे, काफी कुछ काम कर रहे हैं। लगभग 16 आवास भी आ चुके हैं, राशन कार्ड वगैरह जो थे, जो कुछ गरीब लोग थे उनको काफी हद तक ये है कि हम लोग जोड़ रहे हैं कि बन जाए, प्रधान जी सहयोग कर रहे हैं। बाकी विधवा पेंशन जो है और जो विकलांग पेंशन है, सभी को गाँव में घूम घूम कर वो जाके ढूंढ रहे हैं कि सबका सबको पेंशन दे दिया जाए। तो आप यादव जी ये बताइए, आपको जो है यहाँ पे जो है क्या ऐसा कोई बता सकते हैं जो अभी कमियां हैं? बहुत सारी कमियां हैं, शौचालय नहीं बनी है, जनता सरकार जो है सारी योजना दे चुकी है लेकिन अभी तक यहाँ शौचालय वगैरह नहीं बनी है, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी, पहले तो काफी लगभग 20 वर्षों तक जो भी प्रधान पिछले रहे हैं वो काफी काम कराया लेकिन जमीनी स्तर पर सही नहीं हुआ। काफी जैसे शौचालय आया, आवास आया या मान लीजिए कोई पेंशन है, तो वो काफी जमीनी स्तर तक सही नहीं हुआ। लेकिन ये जो नए हमारे प्रधान श्री अशोक यादव जी हुए हैं, वो शौचालय की व्यवस्था जो है कि बासुपुर एक ग्राम सभा, उसमें घर घर प्रत घर जो है कि शौचालय बन चुका है। हम आज प्राथमिक विद्यालय रामनगर शिक्षा क्षेत्र फैजाबाद के राजस्व ग्राम रामनगर पर मौजूद हैं। यहाँ आज देख रहे हैं कि खूब पुताई वगैरह चल रही है विद्यालय की। आज 17 तारीख को जो है यहाँ डीएम साहब आएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सफाई वगैरह
और ये पढ़ाई वगैरह चल रही है। हाँ, डीएम साहब को आना है 17 तारीख को, इसके परिप्रेक्ष्य में ये सफाई वगैरह हो रही है, लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, अपना इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि ताकि जो है कोई कमी रह ना जाए। हाँ, डीएम साहब देख करके ऐसा ना बोल पाए कि भाई आपके यहाँ इसके चलते चल रही है। तो पानी वानी का व्यवस्था है? तो पानी की व्यवस्था के लिए इंडिया मार का हैंड पंप यही है जी, और बच्चों को पीने के लिए ये टैंकी वगैरह रखवा दी गई जो आपको सामने दिख रही है, और अपने कच्छ भी दिखाई पड़ रहा है एक बगल में, एम्बियम का भोजन जो बनता है, रसोई घर भी आपको दिख रहा है, ये सारी व्यवस्था है। इधर बच्चों को लेट्रिन और बाथरूम जाने के लिए इधर ये व्यवस्था बनाई गई है। और वो देख रहे हैं काय प्रगति पे भी है, और मुस्तैदी से यहाँ प्रधान भी लगे हुए हैं। हाँ, हमारे गांव सभा के प्रधान जी अशोक यादव जी भी इसमें सहभागिता अपना निभा रहे हैं, जो कि वो लग भीड़ करके अपना काम करवा रहे हैं। हाँ, कि ताकि आला कमान जो आ रहे हैं उनके बीच में कोई कमी ना दिखाई पड़े। पुताई वगैरह सब हो रही है, एकदम चकाचक आपको दिखाई पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको, ये सब एकदम लगे हुए मुस्तैदी के साथ भी। लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है ना, उधर भी है इधर भी है, और ये टूट गई थी दीवार जिसको की जोड़ी जा रही है। हाँ, डीएम साहब के आते आते ये सब पूरा काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कारोबार बड़ा तेजी से चल रहा है। हाँ, इसलिए चल रहा है ना, 17 तारीख को डीएम साहब आएंगे यहाँ, रात्रि विश्राम भी करेंगे, प्रवास करने का उनका वो है, उनमें है, तो कोई कमी ना रह जाए, इसलिए इतना जोर शोर किया जा रहा है भाई। अब डीएम साहब आएंगे तो देखेंगे लड़ाई ना हो जाए, इसलिए सब चल रहा है अपना। और राजेंद्र जी और कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पे? और क्या बताना चाहते हैं सर, जब डीएम साहब आएंगे तो उनके सामने फिर ये सारी वार्ताएं होंगी। हाँ, तो बताया जाएगा, अभी तो अभी जो है आपके सामने है सफाई वगैरह दिख रही है। अच्छा, घर की इज्जत, मेरी बहन, शौचालय, इज्जत का गहना शौचालय, ये हर जगह बना हुआ रामनगर में? रामनगर में तो हर जगह नहीं बना है, अभी पहला हमारा, इसके पहले रेवेन्यू विलेज वासुपुर है। अच्छा, तो रेवेन्यू विलेज वासुपुर में पूरा जो है उस गांव को समतृप्त कर दिया गया है। अब उसके बाद नंबर अपने ये राजस्व ग्राम बड़ी राजस्व ग्राम है, यहाँ पे भी अब शुरुआत हो रही है, कईयों का बन रहा है और कईयों का बनेगा भी। ये है कि कुछ अगले महीने तक हमको लगता है कि 1-2 महीने में ये राजस्व ग्राम रामनगर जो है ये भी संतृप्त हो जाएगा शौचालय से। अच्छा, यहाँ जो है अभी जो वर्तमान में प्रधान है वो तो यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जो भूतपूर्व हैं 2-3 यहाँ के प्रधान हैं। हाँ, वो क्यों नहीं आए? अब उनका वो अपने आप को भाई क्या आएंगे, अब तो भूत हो गए ना, भूतपूर्व हो गए, आना चाहिए ना, ठीक है, सहायता होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं आए हैं, कोई क्या करेंगे भाई। तो भूतपूर्व प्रधान जो है वो क्या क्या नाम है आप बता सकते हैं? अब इसके पहले एक मोहम्मद इकबाल जी थे भूतपूर्व प्रधान, उसके पहले धर्मराज मौर्य जी थे, इन लोग 10-10 साल तक रह चुके हैं अपना ग्राम प्रधान। हाँ, अब इस बार ये जो है हमारे अशोक प्रधान जी हैं, अशोक यादव जी। अब जितना बन सक रहा है इनसे भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो बना रहे हैं, कर रहे हैं। अशोक जी जो है काफी मेहनत करते हैं, लगते हैं। हाँ, वो तो आपके सामने है, लगे हुए हैं, अपना सब करवा रहे हैं, जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के अनुसार, इनकी जितनी इनकी कद काठी है उस हिसाब से अपना भाई रामनगर को विकास के लिए अग्रसर, विकास करने के लिए अग्रसर रहते हैं। अच्छा, वो प्रधान जी क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अशोक जी, आप ये बताइए, आप SDM आने वाले हैं 17 तारीख को, जिलाधिकारी मोदी जी, तो आप कितना मुस्तैदी से यहाँ काम कर रहे हैं, कितने उनकी देखभाल के लिए क्या क्या कदम उठा रखे हैं? वैसा है कि जो हमारे यहाँ कमियाँ हैं, बाकी जो सब वगैरह दुरुस्त किया जा रहा है, बाकी जो काम पेंडिंग है उसको भी सारे अधिकारी लगे हुए हैं, वो देखवा रहे हैं, सारे लोग जो है अपने अपने कार्य को अच्छे ढंग से देख रहे हैं। अच्छा, तो कुछ आपको जिम्मेदारियाँ मिला है यहाँ पे काम करने के लिए कि आप वैसे सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे? नहीं, हम प्रधान हैं तो हमारी जिम्मेदारी तो वैसे है, जितने कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए हम जी मौजूद रहना, तो या कोई कमी हो रही है तो हमें भी तो अवगत करा के जाएंगे भाई, देख लेना। तो जिलाधिकारी आ रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या क्या स्वागत के लिए आपने कदम उठाया है, क्या क्या कदम उठाए हैं आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनकी देखभाल के लिए? उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए
उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी, घूमने की व्यवस्था की जाएगी, जनता से जो समस्या। अच्छा हाँ, यहाँ रुकेंगे भी रात में भी ना? तो रात में रुकेंगे तो रात का व्यवस्था कहाँ है उनका? विद्यालय में रुकेंगे, तो इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा वो जो है शिकायत वगैरह सुनेंगे जनता का? जी जी हाँ, तो आप जो है कुछ कमियां आप नोट किए होंगे? सब है, सब। अच्छा, और विद्यालय का काम ठीक ठाक सुचारू रूप से सब चल रहा है? आप लोगों को तो डेली आना पड़ता होगा? हाँ, टीचर डेली आ रहे हैं, बच्चे की। हाँ, तो बच्चों की तो छुट्टी है ही है। साफ सफाई हो रही है, क्या बात है? अरे हमारे यहाँ डीएम साहब आने वाले, डीएम साहब आएंगे, बड़ी खुशी की बात है। तो इनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? रात्रि प्रवास भी करेंगे, डीएम साहब कहाँ कभी चौपाल लगा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं।